सबसे पहले मैंने लिया है एक कटोरी से थोड़ी सी कम, ये महीन दानों वाली सूजी है जिसे मैं एक बोल में डाल लूँगी। और इसी के साथ में हम इसके अंदर डालेंगे ये छोटी कटोरी से एक कटोरी दही, इस कटोरी से लगभग 6 चम्मच के करीब है दही, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसे डाल के हम अच्छे से चला लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसी कटोरी के नाप से इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने इसमें डाला एक कटोरी पानी और सबको अच्छे से मिला लें। ये अभी भी ड्राई लग रहा है, क्योंकि हमें जो पैनकेक बनाना है वो थोड़ा लिक्विडी रहेगा तभी बनेगा अच्छा। तो मुझे इसमें और पानी डालना है, तो फिर से मैं इसी कटोरी के हिसाब से एक कटोरी पानी डालती हूँ और इसे मिला लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से इसमें मिल गया है पानी। और अब हम इस मिक्सचर को आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अगर हमें उस समय पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम उस समय पानी डालेंगे, तब तक के लिए हमें इसे रेस्ट करने के लिए आधे घंटे छोड़ना है। और चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं इसमें डालने के लिए आलू मसाला। फ्रेंड्स, मैंने लिया है ये 5 बड़े आलू जो मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉयल हो गए हैं। इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। मैंने आलू को मैश कर लिया है, इसमें कोई भी बड़े टुकड़े नहीं हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बिठाया है कढ़ाई गरम करने के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और थोड़ा तेल गरम होने देंगे। तो फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा। और अब जैसे ही जीरा थोड़ा गर्म हो गया तो अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच सौंफ साबुत, और इसी के साथ में मैं डाल दूंगी 1 चम्मच से थोड़ा सा कम साबुत धनिया। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। मैंने काट के रखा है 2 हरी मिर्च को बारीक बिल्कुल, अदरक को और धनिया पत्ता को। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मसाले में अदरक डाल देते हैं और हरी मिर्च डाल देते हैं। इसे भी डाल के हम भून लेते हैं। कलर चेंज हो गया तो अब इसमें डाल देते हैं थोड़े से हम सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और बिल्कुल जरा सा धनिया पाउडर। और इन सब मसालों को तुरंत से हम चला देते हैं, वरना ये जले ना। ये जो हमने आलू मैश करके रखे थे वो सब इन आलूओं को इस मसाले में अच्छे से कोट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें मिल गया अच्छे से। और अब हम इसमें डालते हैं कुछ और मसाले। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और हरा धनिया काट के जो मैंने रखा था ताज़ा सा वो। ये सब भी डालने के बाद अब इसे हम 2 मिनट तक और चला लेंगे। और ये बहुत ही चटपटा आलू मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो रहा है। 2 मिनट तक इसे आंच पे ऐसे ही सिकने दें। देखिए फ्रेंड्स, आलू बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। और मैं अब इसे उसी प्लेट में निकाल लेती हूँ जिसमें मैंने इसे मैश करके आलू को रखा था। तो और मसाले को हम ठंडा होने देंगे। गर्मा गर्म आलू मसाला बनके बिल्कुल रेडी है और इसमें से कितना भी भाप आ रहा है, तो थोड़ा इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। मैंने आलू की 4 टिक्की बना के रेडी कर लिए हैं पतले, जो हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। तो देखते हैं जो हमने सूजी सोख करके रखा था वो कैसा हुआ है। फ्रेंड्स,
ये कितने अच्छे से सूजी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है और जो मिक्सचर है वो बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो अब इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि हमने पहले नमक नहीं डाला था। और इसी के साथ में मैं डालूंगी ये बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है खाने वाला, ये इसी में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसे एक्टिवेट करने के लिए। और इन सबको हम मिला लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही थिक है ये, अभी बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। और हमने अब सोडा डाल दिया तो ज़्यादा देर इसे हम छोड़ेंगे ये भी नहीं, बस थोड़ा सा इसे डाल के दो बूंद और पानी डालेंगे और इसे मिला लेंगे। और चलिए फ्रेंड्स अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसे कंसिस्टेंसी देखिए, हमें ऐसे ही चाहिए पोरिंग कंसिस्टेंसी। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं तवे पर बनाना है। फ्रेंड्स मैंने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है, ये बहुत ही कम तेल में बन के रेडी होता है। तो मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच के हिसाब से तेल। तेल को थोड़ा सा स्प्रेड कर दें तवे पर और दो मिनट अब हम इसमें डालेंगे ये मिक्सचर। तो मैंने एक स्पैचुला इसमें मिक्सचर डाल दिया, इसे मैं स्प्रेड कर लूंगी। ये देखिए बस हमें इतना ही इसमें डालना है। अभी ये गीला है, इसी समय मैंने जो टिक्की बनाई थी इसे थोड़ा सा और चिपटा करके इसके ऊपर हमें अच्छे से बिछा देना है। ये देखिए और इसी समय हमें थोड़ा सा मिक्सचर और इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। ध्यान दें कि ये ज़्यादा मोटा ना हो। बस ये देखिए और क्योंकि अभी गीला है तो थोड़ा सा धनिया पत्ता इस पर लगा दें। और इसके साइड साइड में एक चम्मच तेल और लगा दें ताकि ये जो पैनकेक है अच्छे से सिक जाएं। थोड़ा सा ये नीचे से हो जाए फिर हम इसे फ्लिप करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें बबल आने लगे। अब हम इसे पलटेंगे, ये देखिए इसका कलर कितना सुनहला हो गया एक साइड से। नीचे भी हम एक चम्मच तेल डाल देंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, आप कभी भी ब्रेकफास्ट में इसे बना के खाएं। फ्रेंड्स इसे फ्लिप करके दूसरे साइड से हुआ कि नहीं, तो ये देखिए दोनों साइड से कितना अच्छा सिक गया है, बिल्कुल कलर इसका ब्राउनिश आ गया है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और इसी तरह से मैं दूसरा नाश्ता भी बना के रेडी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स हम फिर से डालेंगे इसमें एक चम्मच तेल। और फिर हम डालेंगे एक स्पैचुला सूजी का, इसे हम फैला लेंगे। थोड़ा सा और डाल देती हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा बने। ये देखिए अभी गीला है तो इसी समय हमने जो आलू की टिक्की बनाई थी इसे फैला लें और इसके ऊपर रख दें। और फिर से हम इसके ऊपर ये बैटर डाल देंगे बहुत पतली लेयर में। अब हम इसमें साइड साइड से फिर से एक चम्मच तेल लगाएंगे और ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ता लगा देंगे।
दो मिनट इसे सिक जाने के बाद फिर से हम इसे फ्लिप करेंगे। हम इसे फ्लिप करेंगे और साइड साइड में एक चम्मच तेल लगा देंगे ताकि नीचे वाली सतह भी सिक जाए अच्छे से। फ्रेंड्स अब हम इसे पलट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा फूल के हो गया ये, और ये बिल्कुल बन के रेडी है। तो इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। फटाफट से मैंने दो नाश्ता बना के रेडी कर दिया सूजी का, और इसी तरह मैं बाकी नाश्ता भी बना के रेडी करती हूँ। फ्रेंड्स मैंने सारे बना लिए हैं पैनकेक, और ये बन के कितने रेडी जल्दी हो गए हैं, और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पैनकेक। और बहुत ही अच्छी ये बात इसमें है कि दो चम्मच तेल में बन के रेडी होते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं, बहुत ही हेल्दी रेसिपी। देखिए अब मैं आपको इसको काट के भी दिखाती हूँ ये अंदर से कितने सॉफ्ट बना है और कैसा बना है। तो ये देखिए आप ये देख सकते हैं अंदर से कितना अच्छा बना है, फ्लफी भी है और हेल्दी भी है। तो मैं इसे ऐसे दिखाती हूँ आपको काट के। ये देखिए फ्रेंड्स बनी है ना बिल्कुल मज़ेदार रेसिपी। कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इजी इंटरेस्टिंग रेसिपीज लेके आती रहती हूँ। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।